मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में देर रात प्रेम नगर स्थित और नगर निगम की ओर से बनाए गए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रैन बसेरा का उद्घाटन किया। रैन बसेरा के भवन पर 1,12,00,000 रुपए की राशि खर्च हुई है और यह 2 मंजिला है। इसमें एक समय में 85 व्यक्ति रात्रि गुजार सकते हैं। PUF वाल स्टील से निर्मित फैब्रिकेटेड 19.27 मीटर गुणा और 12.78 मीटर के आयत तैयार किया गया है। इसमें 7 डेरा मेट्री काउंसिल रूम, केयर टेकर का कमरा, किचन स्टोर, सीढ़ियां, लॉबी, टॉयलेट और सोलर पावर सिस्टम से युक्त बाथरूम के अतिरिक्त मिनरल वाटर, RO गर्म पानी करने के लिए गीजर, वाटर पंप, अग्निशमन यंत्र, अलमारी, 2 CCTV कैमरे, 1 LED स्क्रीन और बैटरी युक्त इन्वर्टर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे का निर्माण के लिए नगर निगम को धन्यवाद दिया। एक रैन बसेरे की यहाँ करनाल में आवश्यकता थी। रामनगर में इस जगह पर इसको बनाया गया है तो 2 डोरमेट्री हैं इसमें और लगभग 30 लोगों के ठहरने की व्यवस्था जो बनाई गई है। खास करके सर्दी के समय तो ऐसे रैन बसेरे की बहुत आवश्यकता होती है और इसकी सुविधा ऐसे जो लोग हैं, लावारिस हैं, रात को बाहर ना सोएं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, हालांकि उनकी और व्यवस्थाएं करने के लिए मैंने DC साहब को कहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में भी कहीं कोई काम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की कुछ स्थायी व्यवस्था वृद्धाश्रम इसमें करवा दी जाए, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।